नमस्कार दोस्तों, डायरेक्टिव प्राइम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो बाकी वीडियो से कुछ अलग हटकर होने वाली है, क्योंकि हम आज आपको लेकर जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल जो कि ऋषिकेश में पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ऋषिकेश में भी वाटरफॉल का मजा ले सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ की टाइमिंग्स क्या है, ये कब बंद रहता है, इस वाटरफॉल को देखने की फीस कितनी लगती है और यहाँ कौन से मौसम में आना बेस्ट रहता है, और भी बहुत कुछ है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो डिवाइस को करिए फुल स्क्रीन और हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल डायरेक्टिव प्राइम पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सी मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टाइम जो आप वीडियो में देख रहे हैं वो है नीरगढ़ वाटरफॉल, जिसे नीर वाटरफॉल नाम से भी जाना जाता है। नीरगढ़ वाटरफॉल ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लक्ष्मण झूला से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये 25 फुट ऊंचा वाटरफॉल है जो बना है 3 वाटरफॉल्स को मिलाकर, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। बाकी ये वाटरफॉल देखने के लिए आपको पहले ऋषिकेश आना पड़ेगा। इस वीडियो से पहले मैंने ऋषिकेश का एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप ऋषिकेश कैसे आएँ, कौन से सीज़न में आएँ, चीपेस्ट होटल एंड धर्मशाला कहाँ बुक करें, यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करें, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको उस वीडियो में बताई हैं। तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगा। चलिए पहले बात करते हैं यहाँ पहुँचा कैसे जाए। यहाँ आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं, चाहे बाइक हो, स्कूटी हो या फिर कार, आप आसानी से यहाँ पहुँच जाएंगे। और साथ ही यहाँ आपको रोड साइड पार्किंग भी देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल नहीं है तो आप ऋषिकेश पहुंचकर लक्ष्मण झूला से जीप या टैक्सी लेकर यहां आ सकते हैं, जिसका आने जाने का पूरी गाड़ी से 800 से 1000 रुपये तक चार्ज किया जाता है। वैसे तो आपको राम झूला से भी कैब्स अवेलेबल मिल जाएंगी, बट वहां से आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो बेटर होगा आप 10 रुपये पे करके शेयरिंग ऑटो से राम झूला से लक्ष्मण झूला आ जाएँ और वहां से कैब करें। और एक बात का ध्यान रखें, आप नीचे से ही आने जाने की कैब्स की बुकिंग करा कर जाएँ, वन साइड बुकिंग ना कराएँ, नहीं तो आपको वापस नीचे आने में परेशानी हो सकती है। बाकी आपको ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर चलते हुए ही लेफ्ट साइड में एक रास्ता नज़र आएगा, जहां एक बोर्ड भी लगा होगा नीर वाटरफॉल का, और वही रास्ता आपको नीरगढ़ वाटरफॉल तक लेकर जाएगा। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको लगभग आधे घंटे का समय लगेगा, और वहां पहुंचने से पहले ही आपको राइट हैंड साइड पर इनका ऑफिस नज़र आ जाएगा, जो कि एक टिकट काउंटर भी है, जहां से आपको वाटरफॉल देखने के लिए टिकट परचेस करनी पड़ेगी। मात्र 30 रुपये की टिकट होगी, और अगर आपके साथ 5 से 10 साल के छोटे बच्चे हैं तो उनकी 20 रुपये की टिकट लगेगी, और बाकी फॉरनर्स के लिए ये टिकट 50 रुपये की होगी, जिसको लेने के बाद आप आराम से जितनी देर चाहें या अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बाकी यहाँ पहुँचते ही आपको अपनी गाड़ी पार्क करके 15 से 20 मिनट की ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी। घबराइए नहीं, ज़्यादा नहीं, 500-600 मीटर की ट्रैकिंग होगी, और उस बीच आपको झरने और बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। झरने पर ही आपको दो लकड़ी से बने छोटे पुल दिखाई देंगे, जिसके आसपास आपको खाने पीने और आराम करने की दुकानें भी दिख जाएंगी। यहाँ आपको टोटल 3 वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, और तीनों ही वाटरफॉल्स लगभग सेम ही हैं। आप किसी भी वाटरफॉल पर रुककर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बाकी वाटरफॉल्स के साइड में ही आपको शेड्स दिखाई दे जाएंगे, जहाँ आप अपने कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ अपना घर से बना खाना भी लेकर आ सकते हैं, और चाहे तो यहाँ भी आकर खा सकते हैं। बाकी यहाँ आने से पहले आप अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े ज़रूर रख लेना, और साथ ही पानी की बोतल और कुछ खाने के लिए भी रख लें, क्योंकि यहाँ ऊपर आपको सभी कुछ डबल रेट पर मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ की टाइमिंग्स की, ये कब बंद रहता है और यहाँ कौन से सीज़न में आना बेस्ट रहेगा। बताना चाहूँगा, यह हफ्ते में 7 दिन खुला रहता है, और यहाँ आने की टाइमिंग्स है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। अगर आप वीकेंड्स में इधर आ रहे हैं और ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सुबह जल्दी यहाँ पहुँच जाएँ, लगभग 10 बजे से पहले,
इस समय यहाँ आपको ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। मैं भी यहाँ इसी टाइम पर यहाँ पहुँच गया था और मुझे बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे अपना प्राइवेट बुक कर रखा हो। तो ये आपके लिए प्रो ट्रिक है भीड़ से बचने के लिए। बाकी यहाँ आप किसी भी सीज़न में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ का पानी थोड़ा ठंडा होता है क्योंकि सीधा पहाड़ों से आता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप गर्मियों के मौसम में यहाँ आएँ। और अगर आप इस वाटरफॉल की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो आप मानसून में भी यहाँ आ सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ आने का बेस्ट सीज़न मार्च मिड से जुलाई तक का होता है। बाकी ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। अगर ऋषिकेश साइड आएँ तो यहाँ ज़रूर विजिट करें। मात्र 30 रुपये में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। ये था हमारा नीरगढ़ वाटरफॉल का कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप भी कभी इस वाटरफॉल पर गए हैं या जाना चाहते हैं। बाकी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज डायरेक्टिव प्राइम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।